हेलो, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं और उसमें हाइट्स एंड डिस्टेंसेस की बात करते हैं, वो समझने के लिए, उनके सम समझने के लिए हमें चार कॉन्सेप्ट्स की जरूरत होती है। वो चारों कॉन्सेप्ट्स हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं वो चारों कॉन्सेप्ट्स। अब यहाँ पे आप देख रहे हो माउंट एवरेस्ट, और मुझे इस माउंट एवरेस्ट के चोटी पे पहुंचना है, टॉप पे पहुंचना है। पर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है, इस माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना है? क्योंकि अभी अगर हाइट मुझे मेजर करना है तो मैं एक मेजरिंग टेप लेके गया हूं, उसका जो स्टार्टिंग एंड है वो नीचे मैं फिक्स कर देता हूं, और बाकी टेप लेके मैं ऊपर चढ़ते जा रहा हूं, चढ़ते जा रहा हूं, चढ़ते जा रहा हूं। अब मैं टॉप पे पहुंचता हूं और बोलता हूं, ये आई गॉट द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। क्या हम हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं? वेरी गुड, हम नहीं कर सकते। वेरी गुड, ओके। आप यहाँ पे हम देख रहे हैं पिरामिड, और इजिप्ट में हम जो पिरामिड्स देखते हैं उनकी हाइट भी काफी होती है, बड़े बड़े हाइट होते हैं। तो अगर उनका हाइट फाइंड करना है, क्या हम मेजरिंग टेप के द्वारा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उसी तरीके से अगर मैं इस रिवर के विड्थ की बात करूं, मुझे इस रिवर की चौड़ाई जाननी है, तो क्या मैं मेजरिंग टेप लेके इसके एक बैंक पे, एक तट पे बैठता हूं, वहां पे उसका फिक्स कर देता हूं मेजरिंग टेप का स्टार्ट, और फिर बोट में बैठ के मेजरिंग टेप लेके जाता हूं दूसरा एंड लेके दूसरे बैंक पे जाके, फिर क्या मैं इसका विड्थ मेजर कर सकता हूं इस तरीके से? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। हम ये जान रहे हैं, हमें ये पता चला कि ये जो बड़े बड़े हाइट्स होते हैं और जो बड़े बड़े डिस्टेंसेस होते हैं, ये हम मेजरिंग टेप से फाइंड नहीं कर सकते। इन्हें फाइंड करने के लिए हम एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। सो वी आर लर्निंग द एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे हम हाइट और डिस्टेंसेस, बड़े बड़े हाइट्स और डिस्टेंसेस फाइंड कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा, वो हम समझ रहे हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके अगर हमें इन बड़े बड़े हाइट्स और डिस्टेंसेस को फाइंड करना है, तो हमें चार कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है लाइन ऑफ साइट, जिसे हम लाइन ऑफ विजन भी कहते हैं। तो लाइन ऑफ साइट बोलिए या लाइन ऑफ विजन बोलिए, इट इज वन एंड द सेम। सेकेंड कॉन्सेप्ट है, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन। थर्ड कॉन्सेप्ट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, और चौथा कॉन्सेप्ट है वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर ये चारों कॉन्सेप्ट हमें समझ गए, तो हम ट्रिग्नोमेट्री के जो सम्स होते हैं, जिसमें हाइट्स और डिस्टेंसेस के सम्स होते हैं, हम बहुत इजीली कर सकते हैं, बिकॉज उसमें ड्रॉ करने के लिए, फिगर जो ड्रॉ करना होता है वो समझने के लिए चारों कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला कॉन्सेप्ट, दैट इज लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ विजन, ये क्या है। अब पहला कॉन्सेप्ट समझने के लिए यहां पे आप देखोगे एक लड़का खड़ा है, और ये हमारा फ्रेंड है जो हमें लाइन ऑफ विजन या लाइन ऑफ साइट समझने में मदद करेगा। ओके, सबसे पहले हम बोलेंगे ये कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहा है कुछ, राइट? यस, तो हम इसे बोल सकते हैं ये ऑब्जर्वर है। अब देखते हैं ये सबसे पहले क्या ऑब्जर्व कर रहा है, और ये देख रहा है इस ऑब्जेक्ट को, वहां पे देख रहे हो वो है पानी का फव्वारा जो है, राइट, वाटर स्प्रिंग जो है वो देख रहा है, तो हम बोल सकते हैं वो ऑब्जेक्ट है। तो जब एक ऑब्जर्वर एक ऑब्जेक्ट को देखता है, तो हमेशा याद रखना ऑब्जर्वर के आंखों से एक स्ट्रेट लाइन पास होता है जो उस ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करता है, और हम उस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ विजन या लाइन ऑफ साइट। ओके, आप बोलो कि ये लाइन तो दिखती नहीं है हमें। यस, ये अदृश्य है, नहीं दिखाई देती है, ये इमेजिनरी लाइन है, और इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ विजन। सो हमारे फ्रेंड ने अभी हमें बताया कि लाइन ऑफ विजन क्या होता है। जब भी एक ऑब्जर्वर है और वो ऑब्जर्वर जब कोई ऑब्जेक्ट को देखता है, तो ऑब्जर्वर के आंखों से एक लाइन कनेक्ट होती है उस ऑब्जेक्ट को, और उस स्ट्रेट लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ विजन या लाइन ऑफ साइट। ये हमें समझना है, तो बहुत सिंपल है। अगर ऑब्जर्वर एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो लाइन ऑफ विजन या लाइन ऑफ साइट आएगा, ये बहुत सिंपल है। बट याद रखना एक इमेजिनरी लाइन है। तो ये हमारा जो फ्रेंड है, ये हमें और एग्जाम्पल्स देगा, सो दैट हमें ये लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ विजन और अच्छी तरीके से और बेहतर तरीके से समझ आए। अब ये ऑब्जर्वर किस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, देखते हैं। यस, ही इज सीइंग अप, वो ऊपर देख रहा है, और क्या देख रहा है? यस, ही इज सीइंग दैट बर्ड, वो बर्ड को, उस पक्षी को देख रहा है। अब वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जर्वर है, ऑब्जेक्ट है, तो हमें पता है यस, वो इमेजिनरी लाइन, वो स्ट्रेट लाइन आएगा, जिसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ विजन या तो लाइन ऑफ साइट। वेरी गुड,
ओके आप कोई और ऑब्जेक्ट को देख रहा है क्या? हाँ, वो नीचे की तरफ देख रहा है और वो देख रहा है उस क्यूट से पपी को। तो अगेन वी नो देर इज अ लाइन ऑफ विजन, यस देर इज अ लाइन ऑफ साइट, राइट। अब जब हम लाइन ऑफ विजन की बात करते हैं, लाइन ऑफ साइट की बात करते हैं, बहुत सिंपल है। सो व्हेन एन ऑब्जर्वर, जब एक ऑब्जर्वर एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है, द लाइन इन विच हिज विजन हिज साइट ट्रेवल्स, मतलब वो विजन या वो साइट जो है, वो जो उस लाइन में ट्रैवल करता है, उस स्ट्रेट लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट या तो लाइन ऑफ विजन। सो ये पहला कॉन्सेप्ट बहुत 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 इजी था, राइट? यस, अभी हम समझ गए फर्स्ट कॉन्सेप्ट, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ विजन, वो बहुत क्लियर है। अब हमें समझना है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन। बट मैं बोलूंगा हम समझेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, नहीं मत, एंगल ऑफ एलिवेशन समझते समझते हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी समझ लेंगे। यस, अभी यहां पे भी आप देखोगे हमारा एक मित्र है, हमारा एक फ्रेंड है जो हमें हेल्प करेगा एंगल ऑफ एलिवेशन समझने में और हॉरिजॉन्टल लाइन समझने में। ओके, बट जब हम एक एंगल की बात करते हैं, एंगल अगर मैं आपको बोलूं ड्रॉ करना है, तो आप बोलोगे सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करना है? इनिशियल आर्म, जो रेफरेंस लाइन, जो बेस लाइन है वो लगता है। तो वो कैसे क्रिएट करेंगे अगर हमें एंगल ऑफ एलिवेशन ड्रॉ करना है? तो यही समझना है। सो ये जो फ्रेंड है, ओके, ये जो मित्र है, ये जो ऑब्जर्वर है, जब भी कोई ऑब्जर्वर होता है, ये याद रखिए उनके आंखों से एक स्ट्रेट लाइन पास होगा, उनके आंखों से एक स्ट्रेट लाइन पास होगा जो ग्राउंड को पैरेलल है, और इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। बिकॉज अगर हमें एंगल क्रिएट करना है तो एक बेस लाइन की जरूरत है, एक रेफरेंस लाइन की जरूरत है, और वो रेफरेंस लाइन होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई ऑब्जर्वर है, पहले जैसे ही ऑब्जर्वर होगा, सबसे पहले हमें रेफरेंस लाइन की जरूरत है, मतलब ऑब्जर्वर है मतलब सबसे पहले हमें हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना, और हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब वो लाइन जो ग्राउंड को पैरेलल है, जो ऑब्जर्वर के आंखों से पास होगा, ग्राउंड को पैरेलल है, उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो याद रखिए सबसे पहले आएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। आप समझते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये ऑब्जर्वर कोई चीज को यहां पे ऑब्जर्व कर रहा है क्या? कोई ऑब्जेक्ट है क्या देखते हैं? यस, क्या है वो? यस, टॉप ऑफ द टावर। दैट मीन्स हम बोल रहे हैं कि ये जो ऑब्जर्वर है ये यहाँ पे टॉप ऑफ द टावर को देख रहा है, दैट मीन्स टॉप ऑफ द टावर ऑब्जेक्ट है। सो वी हैव एन ऑब्जर्वर, वी हैव एन ऑब्जेक्ट। तो वहां पे यस, वो स्ट्रेट लाइन, वो इमेजिनरी लाइन होगा जिसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ विजन या तो लाइन ऑफ साइट। अब यहां पे देखिए जो लाइन ऑफ विजन है, जो लाइन ऑफ साइट है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कोई एंगल फॉर्म कर रहा है क्या? आप बोलोगे हाँ, फॉर्म कर रहा है, और इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आप समझ गए एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? वो एक एंगल है, एक एंगल है। किसने क्रिएट किया है? लाइन ऑफ विजन ने। किसके साथ क्रिएट हुआ है? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। सो एंगल मेड बाय द लाइन ऑफ विजन विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। बट इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है, इसलिए जो एंगल क्रिएट हुआ उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो बहुत सिंपल है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन इज एन एंगल, वो एक एंगल है। किसने फॉर्म किया? लाइन ऑफ विजन ने। किसके साथ फॉर्म किया? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। बट एक ही याद रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन कब फॉर्म होता है? जब ये ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर हो। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, इजंट इट? तो हम सेकेंड कॉन्सेप्ट जो है हॉरिजॉन्टल लाइन वो भी समझ गए, एंगल ऑफ एलिवेशन भी समझ गए। आप समझेंगे लास्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इसे समझने के लिए भी हमें कोई फ्रेंड मिलेगा यहाँ पे। चलिए देखते हैं, कोई फ्रेंड दिख नहीं रहे, दिख नहीं रहे है। यस, यू कैन सी देयर इज एन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर है यहाँ पे जो हमें मदद करेगा। वो वहां पे टॉप फ्लोर के बालकनी पे खड़ा हुआ है। ओके, अब ऑब्जर्वर है तो हमें पता है जैसे ही ऑब्जर्वर होता है एंगल क्रिएट करना है, मतलब किस चीज की जरूरत है? वेरी गुड, आप सही सोच रहे हो, हमें हॉरिजॉन्टल लाइन की जरूरत है, लाइन पैरेलल टू द ग्राउंड, जिसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, अब ये ऑब्जर्वर क्या कोई ऑब्जेक्ट को देख रहा है? चलिए देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, कोई ऑब्जेक्ट। यस, वाओ, एक ब्यूटीफुल सा कार है। ऑब्जर्वर इस कार को देख रहा है, तो ऑब्जर्वर है, ऑब्जेक्ट है, मतलब हमें पता है वो इमेजिनरी लाइन आएगा जिसे हम लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ विजन कहते हैं। अब देखिए और बताइए, क्या ये लाइन ऑफ विजन इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कोई एंगल फॉर्म कर रहा है? यस, कर रहा है। बट याद रखना, इस बार ये जो एंगल है ये हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे है, इसलिए हम इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हम समझ गए ये लास्ट कॉन्सेप्ट।
सो वॉज दैट इजी, वेरी सिंपल। तो याद रखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, वो एक एंगल है। किसने क्रिएट किया है, लाइन ऑफ विजन ने, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। बट याद रखना ऑब्जेक्ट कहां पे है, ऑब्जेक्ट है हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे। तो अब आप चारों कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये चारों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह के समझे हो ना, वेरी गुड। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ऑल फोर कॉन्सेप्ट्स आर सिंपल, ऑल फोर कॉन्सेप्ट्स आर सिंपल, अभी के अभी कमेंट कीजिए, वेरी गुड। चलिए अब आगे देखते हैं, ये चारों कॉन्सेप्ट समझ गए तो इसे रिवाइज कर लेते हैं फिर से एक बार। अब यहां पे आप देखोगे, यस हमारा एक फ्रेंड है ऑलरेडी, यू कैन सी ऑन द फर्स्ट फ्लोर देयर, बालकनी में खड़ा हुआ है और ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर है मतलब सबसे पहले क्या आएगा, यू आर वेरी करेक्ट, ये लाइन है और इसे हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, वेरी गुड। तो पहला कॉन्सेप्ट आप समझ गए, वेरी सिंपल। अब ये ऑब्जर्वर है तो कुछ तो ऑब्जर्व करेगा, चलिए देखते हैं क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। सबसे पहले ओ वाओ, वो एक उस पक्षी को देख रहा है, उस बर्ड को देख रहा है, तो हमें कौन सा लाइन मिलेगा, यस yes, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ विजन या तो लाइन ऑफ साइट। अब ये लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ विजन यहां पे एक एंगल क्रिएट कर रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, उस एंगल को क्या बोलेंगे, बोलिए 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 कौन सा एंगल है। देखिए ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है, मतलब ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, बहुत सही समझे आप। ओके नेक्स्ट, यहां पे ये ऑब्जर्वर कोई और ऑब्जेक्ट को देख रहा है, यस yes, देखते 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 यस yes! और एक ऑब्जेक्ट है, बट इस बार याद रखना ये ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे है। पहले यस लाइन ऑफ साइट मिल गया हमें, लाइन ऑफ विजन मिल गया हमें, वो एक एंगल क्रिएट कर रहा है और ये एंगल है एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब अभी हमें ये चारों कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गया है, वेरी गुड। तो अब जब हम सम्स करेंगे, एक चीज याद रखना, सम्स में ज्यादातर हमें पूछा जाता है हाइट ऑफ द टावर क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है, हाइट ऑफ द ट्री क्या है, हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट क्या है, ऐसे क्वेश्चंस में आते हैं। तो उस समय आपको ये जो बिल्डिंग है या टावर है या ट्री है या लैंप पोस्ट है, इसे स्केच नहीं करना है, इसे ड्रॉ नहीं करना है, हमें इसके जगह पे सिर्फ एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। मतलब हाइट ऑफ द बिल्डिंग बताना है तो आपको एक लाइन सेगमेंट दिखाना है, हाइट ऑफ द ट्री दिखाना है तो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट दिखाना है तो हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। बट हमें पता है ये जो बिल्डिंग है, ये जो लैंप पोस्ट है, ये जो ट्री है, वो हमेशा ग्राउंड को परपेंडिकुलर होता है, तो ग्राउंड दिखाना है मतलब ग्राउंड भी स्केच नहीं करना है, उसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन करके बना। और ये परपेंडिकुलर है मतलब एंगल हमेशा वहां पे 90 डिग्री होगा, वो 90 डिग्री एंगल बताना जरूरी है। तो समझ गए हम, जब वर्ड प्रॉब्लम में जब हाइट होगा ऑफ द ट्री, ऑफ द बिल्डिंग, ऑफ द टावर, ऑफ द लैंप पोस्ट, हम उसे सिर्फ लाइन सेगमेंट दिखाएंगे जो ग्राउंड को परपेंडिकुलर होगा, ये याद रखना बहुत 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 जरूरी है। तो अब आप बोलोगे हमें चारों कॉन्सेप्ट समझ गए, लाइन ऑफ साइट जिसे हम लाइन ऑफ विजन भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, बेहतरीन चीज है, वेरी गुड। मतलब आप अब तैयार हो वर्ड प्रॉब्लम्स करने के लिए, एटलीस्ट वर्ड प्रॉब्लम्स में जो फिगर ड्रॉ करना पड़ता है वो सारे कॉन्सेप्ट समझ गए। अब ये समझ गए तो वहां पे वर्ड प्रॉब्लम्स के फिगर्स हम इजिली ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको इतना इजी लगा है, इतना इजीली समझा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और आपको समझा है, आप चाहते हैं कि आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं, आपके जो खास फ्रेंड्स हैं, उनको भी ये इजी लगे, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए। और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक कॉन्सेप्ट लेके, उसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, वो कॉन्सेप्ट देखना जरूर, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।